दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहाँ समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में मऊ छावनी में एक सैनिक थे। परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचले तबके का मानते थे। उनका परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावाड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अंबेडकर की माता भीमाबाई का बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब अंबेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थिति में रहते हुए की। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाईं। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव जी भी मन ही मन कुढ़ा करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी ना मिल पाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लेकिन यहाँ अंबेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो वो जीवन भर नहीं भुला पाए। अंबेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि अंबेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और ग्लास से पानी पीने की इजाज़त तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आ पाता, उस दिन अंबेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, एक दिन भीम को उसी कुएं पर पकड़ लिया गया और जूते चप्पलों से जमकर उनकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो फिर कभी उस कुएं का पानी नहीं पिएगा। और एक बार वो बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए तो नाई को पता था कि वो महार जाति का है। वो उसे नफरत भरी आवाज़ में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। इन घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। नन्हे भीम के बाल घर पर ही उनकी बहन ने काटे। भीम बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। भीम ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेगा। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था। भीम ने एक प्लान बनाया कि वो अपनी चाची के बटुए से पैसे चुराकर बॉम्बे चला जाएगा। भीम ने लगातार 3 रातों तक बटुए को चुराने की कोशिश की, जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। कहीं जाकर 4th रात को वो बटुए को चुरा पाए, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी
क्योंकि उसमें केवल सिर्फ आधा आना ही था, जिससे वो बॉम्बे नहीं जा सकते थे। चार रातों के इस एक्सपीरियंस ने भीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। किस्मत ने भी भीम का साथ दिया। उनके सूबेदार पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में उन्होंने भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर उन्होंने हॉवर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी अन्य किताबों का अपनी पिता की देखरेख में रहते हुए अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के अलावा वो बहुत सी और ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता पर उनका यह शौक काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीम से बोर्ड पर एक मैथ्स का सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़ा, अगड़ी जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे, सर भीम अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन स्टूडेंट्स के लंच बॉक्स रखे हुए थे जो भीम की परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकते थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने डब्बे वहाँ से फौरन उठा लिए। इन डब्बों की खटर खटर आवाज़ भीम के कानों से उसके दिल में उतर गई, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उस प्रश्न को सेकेंड्स में हल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था, जिसे देखकर टीचर समेत सभी स्टूडेंट्स भौंचक्के रह गए थे। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर केलुस्कर से हुई, जिन्हें पहली ही मुलाकात में भीम ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, मुझसे कृपया दूर रहें। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने केलुस्कर को बहुत इम्प्रेस कर दिया और वो भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास लेकर गए। जब महाराजा बॉम्बे आए हुए थे, वो वहाँ एक सभा कर रहे थे जहाँ उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर भीम ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसके कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव महाराज से मिले और भीम की अंग्रेजी बोलने से वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत चार लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजा। चार साल बाद वो भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक तुच्छ लड़के को सेना के उच्चाधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और सन 1919 में वो लंदन चले गए, जहाँ अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने वहाँ पर MSc, DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को ख़त्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी ये मांगें पीछे ले ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर हैं, जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए गए दलित और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किया। जब आज़ादी के वक्त भारतीय नेता आज़ादी और नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान,
भारत में इतनी डाइवर्सिटीज़ है कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्दी ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है, अंबेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। अंबेडकर जी ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार हुआ। दोस्तों, अंबेडकर जी की मौत के कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद ही को भारत रत्न तो घोषित कर दिया, लेकिन भारत माँ के असली रतन यानी डॉक्टर अंबेडकर जी को 1988 में वीपी सिंह की सरकार आने पर ही भारत रत्न मिल पाया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, ये वीडियो अंबेडकर जी को समाज और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए समर्पित है। कुछ मिनट में उनका पूरा जीवन बता पाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और नए वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।